हेलो एवरीवन। और जैसे कि आप सभी को पता है कि आज से टाटा आईपीएल 2022 स्टार्ट होने वाला है, और आज का जो पहला मैच है वो है सीएसके वर्सेस केकेआर का। दोनों ही टीमें बहुत ही बेहतरीन टीम हैं और दोनों ही टीमें आईपीएल चैंपियन रह भी रह चुकी हैं। सो काफ़ी अच्छा मैच देखने को मिलेगा। अगर बात कर ली जाए तो सीएसके की, तो सीएसके में आज सबकी नज़रें रहेंगी रविंद्र जडेजा पे, जिनको कल ही सीएसके की कैप्टनशिप हैंडओवर की गई है। सो काफ़ी फोकस रहेगा उन पे कि वो कैसे कैप्टनशिप करते हैं अपने पहले मैच में। लेकिन धोनी तो वहाँ रहेंगे ही उनकी हेल्प करने के लिए। सो एक बहुत बड़ा बेनिफिट है जडेजा के लिए। और अगर केकेआर की बात कर ली जाए तो केकेआर की कैप्टन भी बिल्कुल यंग है। जी हाँ, लास्ट ईयर इयन मॉर्गन थे, इस साल है श्रेयस अय्यर, जो कि काफ़ी अच्छे कैप्टन हैं। उन्होंने दिल्ली कैप्टनशिप भी की है, सो काफ़ी अच्छी तरह से उन्होंने दिल्ली की कैप्टनशिप निभाई थी। सो लेट्स सी क्या होता है। उनके लिए भी एक नई टीम है, नया मैनेजमेंट है। सो देखना होगा कि आज के मैच में क्या होता है। और अगर मेरी बात कर ली जाए तो मेरी तरफ से, मैं अपना जो मेरा लगता है, मेरे को आज सीएसके का पलड़ा भारी रहेगा। और उसमें भी जो मुझे लगता है उनके जो प्लेयर्स हो सकते हैं, जो मेरे को लगता है काफ़ी आज अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, उसमें से हैं जडेजा, धोनी, रायडू, ब्रेवो और ऋतुराज। जी हाँ, ये पांच प्लेयर ऐसे हैं जिनके इर्द गिर्द पूरी सीएसके की टीम घूमती है, और ये पूरे टूर्नामेंट में भी घूमेगी। सो ये मेरे वो पांच प्लेयर हैं। तो मगर आज तो फर्स्ट पहला ही मैच है, सो लेट्स सी क्या होता है आगे का। बहुत लंबा टूर्नामेंट है आईपीएल। और रही बात अगर केकेआर की बात कर ले जाए, तो केकेआर में जो मेरे को लगता है जो प्लेयर ये पूरे टूर्नामेंट में अच्छा कर सकते हैं, जो टीम को एक कॉम्बिनेशन रहेगा टीम का और पूरा टीम इनके इर्द गिर्द घूमेगी, वो है श्रेयस अय्यर जो कि कैप्टन है, एंड्रे रसल और मावी जो इंडियन फास्ट बॉलर हैं, श्रेयस अय्यर एक और जो अच्छे एक ऑलराउंडर हैं जिन्होंने अभी इंटरनेशनल में भी अच्छा परफॉर्म किया है, सुनील नारायण, नितीश राणा। और अगर पैट कमिंग्स अभी अवेलेबल नहीं है, आई थिंक आने वाले मैचों में वो अवेलेबल रहेंगे। सो उन पे काफ़ी नज़र रहेंगी। सो लेट्स सी क्या होता है आज के मैच में। सो मेरी फेवरेट टीम है चेन्नई सुपर किंग्स।